पहले ये मसाल है ना जी, पहले का साधना जो किया वशिष्ठ मुनि, हाँ जो तारामाई है, तारामाई का जो असली नाम है वो नाम है चिन्मय तारा, चिन्मय तारा जी, तो ये चिन्मय तारा चिन्मय जी, तो चिन्मय जब वहाँ पर मां रुक गया, आ नहीं पा रहा है, वशिष्ठ मुनि को साधना दिया जी, चिन्ह से माँ को ला सकता है, तो एक ही पुरुष था मनुष्य जी, वशिष्ठ उसको सपना दिया था तारामाई, तुम आपको यहाँ से चलो ले जाओ, तुम ही ले जा सकता है, तुम ले जा करके नहीं ला, उसी टाइम बताया कि तुम जाओ तारापीठ धाम, तारापीठ धाम ये जो नदी है दरका नदी है, दरका नदी के किनारे मसान है, उस मसान में जाकर तुम सपना करो, उस मसान में जब तुम साधना करोगे तब साधना का जब सिद्धि तुम पूरा प्राप्ति हो जाएगा तो हमको तुम ले जा पाएगा जी, तुम्हारा साधना करने के बाद करते 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 माता रानी का कुछ उसको प्रभाव मिला जी जी सत्य, उसके बाद फिर चला जी, फिर जाकर के वशिष्ठ मुनि यही दरका नदी का से ये गंगा जी का सब कनेक्शन जी, इसी नदी में माता रानी जी लाकर के वशिष्ठ मुनि का तो इतने ही कहानी खत्म हो गया जी, उसके बाद वशिष्ठ मुनि के साथ ये बोला कि भगवान सबसे तुमसे हम संतुष्ट है जी, तो मांगो एक बार क्या तुम मांगते हो, तो वशिष्ठ मुनि तो मानस पुत्र था जी, तो बोला कि देखो माँ हमको बच्चा था वो जी, बच्चा छोटा बच्चा माँ के साथ क्या उसके क्या रहता है जी, फिर बोलने के बाद दोबारा जब मरने गया तो बोला इस जन्म में दूसरी जन्म में जी, ये बांधे रूप होकर फिर वशिष्ठ मुनि जन्म लिया जी, शिव चतुर्दशी तो का दिन में जन्म लिया शिव का रूप से जी, तारामाई का सामना करके फिर वो जन्म था, तो तारामाई का जब दर्शन हुआ यहाँ पर तो सब जनता इसको बांधे बहुत तारामाई, हाँ ये बना जो है ना तारा मैं खिलाया मामदे बाबा खाया सब कुछ वही है वशिष्ठ मुनि, यही उनकी दिव्य महिमा जो मामा के बाबा मनाए थे ये उन्हीं के वशिष्ठ ऋषि की है, उसी का है पता रहे वशिष्ठ मुनि का समाधि कहाँ है, हमको दिखा दे तो मरा नहीं तो समाधि कैसे होगा, मामा के पास तो उधर गया तो समाधि खेल रहा जी, यही बात हुआ उनका जो गांव कौन सा था वहाँ हमारी तो वहाँ के हमारे 1 किलोमीटर अटला अटला, और ये यहाँ पे हमारे एक मंदिर है महाराज की, वहाँ पे लाइन लगी गुरु बामदेव बाबा का समाधि है, समाधि है जी, माँ का चरण है जिस जगह पर माँ खड़ा होकर के बामदेव को दर्शन दिए जी, बगल में उसका समाधि जी, और वो जो मंदिर है जहाँ भीड़ लगती है सबसे ज़्यादा तो प्रतिष्ठा क्या हुआ मंदिर है, प्रतिष्ठा माँ को लाकर उसी जगह में प्रतिष्ठा दी जी जी, वशिष्ठ मुनि वशिष्ठ मुनि वो उस जगह का नाम है पादपुत्र पंचमुंड व्यास्थल, पंचमुंड मध्य प्रदेश की ओर आपका कभी दौरा होता है महाराज जी, अब कभी आपका आगमन हो उधर तो आप हमें जरूर सूचना दीजिए, मध्य प्रदेश में सिवनी में अपने गुरु महाराज जी का आश्रम है, सिवनी मंडला नैनपुर बैतूल, बैतूल मेरा रहना है प्रॉपर, अच्छा उस क्षेत्र में कभी भी आपका अगर आगमन हो कृपा रही देखो तारामाई का दर्शन है तुम्हारे साथ ही पर जी जी जी, दोबारा होगा तो जरूर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनका इच्छा वगैरह कुछ नहीं है जी, उनकी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं, पता भी नहीं है सारी चीज़ अंधेरा है।